अच्छा, हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट मोशन ब्लर हमने डिस्कस करना है। तो मोशन ब्लर, जैसे हमने डेप्थ ऑफ फील्ड का शुरू में जिक्र किया किस चीज़ को कहते हैं, इसी तरह मोशन ब्लर का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए। तो मोशन ब्लर आमतौर पे जब आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हो उसको कैप्चर करना चाह रहे हो, तो उस सूरत में मोशन ब्लर का फीचर हम DSLRs में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी चल रही है और आपने गाड़ी को कैप्चर करना है, तो आप गाड़ी पे फोकस रखेंगे तो आपका बैकग्राउंड सारा मोशन ब्लर में आ जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, कि आप इन्वायरमेंट को कैप्चर करना चाह रहे हैं और गाड़ी को मोशन ब्लर में दिखाना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, बैक यानी कि इन्वायरमेंट को फोकस कर रहेंगे और गाड़ी जो है वो मोशन ब्लर के अंदर आ जाएगी। तो ये दो डिफरेंट किस्म की मोशन ब्लर है। एक में क्या होता है कि हमने अपने जो गाड़ी के साथ साथ अपने कैमरे को मूव करना है, ठीक है, गाड़ी के साथ साथ जब मूव होगी तो वो किसको फोकस कर रही है, गाड़ी को, तो उस सूरत में क्या चीज़ पीछे ब्लर होगी, बैकग्राउंड। अब इसी तरह अगर हम कैमरा एक जगह पे स्टिल रखेंगे तो गाड़ी तो मूव हो रही है तो उसकी क्या कैप्चर हो जाएगी, मोशन, और जो पीछे का हिस्सा है वो फोकस में आ जाएगा क्योंकि वो स्टिल है। ये असूल है इसका और बेसिक्स भी हैं, तो ये अगर क्लियर है तो हम आगे डिस्कस इसको कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा और यहाँ पर हमारे पास ये हमारा टाइम लाइन चल रही है, टाइम फ्रेम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, टाइम फ्रेम बार या जो भी इसको आपने नाम रखना है, ठीक है जी। तो इसका क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, ऑटो की ऑन कर लें, ठीक है, ये अभी इसकी पोजीशन यहाँ पर है, हम नेक्स्ट पोजीशन इसकी फॉर एग्जांपल 98 पे रख के और इसको मैं यहाँ पर ले जाता, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर भी रेड कलर का फ्रेम आ गया और ये यहाँ पर भी, अब ये रेड होती है ना, ये मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। बाकी इसकी तफसील इतनी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वो हम उससे हट जाएंगे फोकस। अच्छा, जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखें, ये एक मोशन कैप मतलब ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो गया, ठीक है जी। अब हमने मोशन कैप्चर कैसे करनी है, अच्छा, सीन जो सेटअप हमने बनाया हुआ है वो हल्का सा प्रीव्यू आपको दिखा दूँ, ये है, ठीक है, इसके अंदर हर एक चीज़ स्टिल है। हम क्या करेंगे, हम इसी कैमरे में चले जाएंगे और इस कैमरे में भी मैंने एक्सपोजर वैल्यू को यूज़ किया हुआ है, ISO को यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मोशन कैप्चरिंग करने के लिए अगर शटर स्पीड को छेड़ेंगे तो लाइट पे कोई असर नहीं होना चाहिए, ऐसे ही जी, और होगा भी नहीं। तो अब क्या करते हैं, इनेबल मोशन ब्लर, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके हैं, एक तो है फ्रेम्स जो कि बड़ा ही ईजी है और एक है 1/सेकेंड जो थोड़ा सा आपको मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन वो भी अगर आता हो तो इजी है। तो पहले हम फ्रेम्स की बात करते हैं, ये दो की हमने बात करनी है, ठीक है। बाकी डिग्रीज और सेकेंड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो मैं नहीं यूज़ करता, वो उनका मेथड भी तकरीबन ऐसा ही होता है। तो फ्रेम्स की बात करते हैं, तो ये ड्यूरेशन कह रहा है 0.5 फ्रेम पे वो, यानी कि यहाँ से यहाँ एक फ्रेम बनता है, तो ये मोशन कैप्चर कितने फ्रेम्स की करेगा, आधे फ्रेम की, ठीक है। तो आधे फ्रेम की अगर मोशन कैप्चर होगी इस जगह पर तो कितनी को होगी, वो बिल्कुल थोड़ी सी होगी, चेक कर लेते हैं। इनेबल मोशन ब्लर ऑन है हमारा और हम सीन को सेव करके इसको ऑन करते हैं, देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ी सी मोशन कैप्चर हो रही है, बनना शुरू हो गई है। अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं इसको 3 फ्रेम्स तक ले जाते हैं। 3 फ्रेम का मतलब ये है कि 40, 42, 44 ये 2 फ्रेम्स हैं और 46 ये 3 फ्रेम है, 1, 2 और 3, ठीक है। अब ये इसके आगे और पीछे फ्रेम्स को ये कैप्चर करेगा, ठीक है, तो 3 फ्रेम्स टोटल वो मोशन के लिए होंगे। अब जैसे ही 3 पे करता हूँ और इसको स्टार्ट इंटरेक्टिव में लेके जाता हूँ, तो ये अब मूव होता हुआ ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इवन कि इसके शेडोज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। और यही फ्रेम अगर मैं बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसे 7 पे ले जाता हूँ, तो ये देखिए, और एक टाइम आएगा कि ये बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा होगा, 15, 50, अब देखिए सिर्फ लाइट हल्की सी, वो क्या पता चल रहा है कोई चीज़ थी यहाँ पे, उसका शेडो भी बन रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लर हो गई। तो अब आपने इसके दरमियान रह के अपनी वैल्यू सेट करनी है, डिज़ायर्ड वैल्यू जो भी आप चाह रहे हैं, तो मैं मेरे ख्याल से 3 पे हैप्पी हूँ,
मुझे ये पसंद है, ठीक है। ये हो गया, ये है मूविंग ऑब्जेक्ट। और रोटेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी सेम है, आपने ऑटो की ऑन कर लेनी है, पहले इसकी रोटेशन आपने सेट करनी है। अब यहाँ पर ये इतनी रोटेशन थी और 22 पे ये एक साइकिल पूरा करती है जिससे कि 180, और फिर 55 पे ये दूसरा साइकिल पूरा करती है जिससे कि ये आ गए हम 180, और 76 पे ये तीसरा साइकिल पूरा करती है जो कि हम आ गए ये 180। तो मेरे ख्याल से 98 पे इसको हम आखिरी साइकिल इसका पूरा करवा देते हैं जो कि आ जाएगा हम 180। तो ये हमारी, अब देखिए जैसे रोटेशन पे मैंने कीज लगाई हैं तो ग्रीन हो गई हैं, इसी तरह स्केल की कीज और होती हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, चल रहा है, ठीक है जी। अब ये पंखे की रोटेशन कैसे कैप्चर होगी, वही सेम हम इस जगह पर 3 फ्रेम्स कैप्चर करते हैं कैमरे के, जो कि हमने ऑलरेडी इसको वैल्यू दी हुई है, तो इसके अंदर भी मोशन आ जाएगी। तो मकसद क्या है, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट डालनी है और कैमरे के अंदर ऑन कर देनी है, तो ये अपने आप उसकी मोशन कैप्चर करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये पंखा आपने घूमता देखा ही होगा, लगे रहे ना घर जो पंखे, तो वो इसी तरह घूम रहे होते हैं, वो सामने लगा, वो भी हमारी आंख के मतलब जो भी फ्रेम है वो रेट से उससे ज़्यादा तेज चल रहा है, तो इसलिए वो इसके अंदर मोशन नज़र आ रही है। तो अगर हम इस फ्रेम रेट को बढ़ा देते हैं, जैसे ये है, तो ये देखें पंखे के अंदर भी मोशन आ गई है और इसके अंदर भी मोशन आ गई, ऐसे ही जी, ठीक हो गया। और स्टिल को कैप्चर करना है तो जाहिर बात है आप इसको डिसेबल कर दें तो स्टिल कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 सेकेंड ये आमतौर पे DSLR के अंदर इस्तेमाल होता है, 1/2 सेकेंड का जो मेथड है। तो 1/2 सेकेंड में क्या होता है, अच्छा यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सब कुछ। अभी इकराम साहब जो क्वेश्चन कर रहे थे कि हमने अगर बैकग्राउंड को डीफोकस करना है और ऑब्जेक्ट को फोकस करना है मोशन ब्लर के साथ तो क्या करना पड़ेगा, तो उस सूरत में क्या करना पड़ेगा, उस सूरत में जो होगा वो ये होगा कि हम जैसे इसकी कीज उड़ा देते हैं सारी, ठीक है। अब ये ज़ीरो हो गया बिल्कुल, ठीक है, डेड हो गया ना यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करूँगा, इसको और कैमरे को इकट्ठा मूव करवाना पड़ेगा। कैमरा ये है, ये है, और इस ऑब्जेक्ट को, तो उसमें क्या है कि इन इन दोनों को हमें लिंक करना पड़ेगा, ये लिंक है इसके साथ इसके साथ, ठीक है जी, और फिर हम छोड़ देंगे। अब जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है, समझ तो आ गई होगी अब आपको। अब मैं ऑटो की लगा देता हूँ, जैसे कि ऑटो की ये है, और इसको मैं ले जाता हूँ 100 पे, और इसमें जाकर मैं इसको यहाँ पर मूव कर देता हूँ। अच्छा इसमें एक चीज़ है कि ऑब्जेक्ट वो वहीं पे रहेगा, इसको हमें कैमरे के मिड में कर लेना चाहिए था, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम दोबारा से लिंक कर लेते हैं इसको ऑटो कीज ऑफ करके, नहीं लगी ऑटो कीज, एक ये ऑब्जेक्ट एक ये, ठीक है। अगर ये लिंक नहीं है, ठीक है, इसको हम सेंटर में रख देते हैं, है लिंक, तो इसको हम अनलिंक कर देते हैं, अनलिंक अनलिंक अनलिंक, ठीक है जी। इसको हम इस इधर रख देते हैं ताकि कैमरा हमारे ऑब्जेक्ट के फोकस में रहे ना। फिर इस जगह पर इसको हम यहाँ पे रखते हैं, ऑटो की ऑन करते हैं और ऑटो की को हम मूव करते हैं पहले और फिर हम इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, ठीक है जी, और ऑटो की ऑफ कर देते हैं। तो असूलन अब सारी चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही। तो अब ये इस फ्रेम पे हम 3% मोशन ब्लर के साथ देखेंगे इसे, सेलेक्ट कैमरा, इसकी मैं मोशन हटा देता हूँ ताकि
हमें इसकी मोशन डिस्टर्ब ना करे, ना भी उठाएंगे तो कोई इशू तो नहीं है। सेलेक्ट कैमरा और इनेबल मोशन ब्लर है, जैसे ही हम इसको चलाते हैं तो ये देखिए अब ये मूव हो रहा है ऑब्जेक्ट पीछे से, ऐसे ही है ना, पीछे मूव हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट फोकस में। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पीछे रख दें, जैसे मैं कोई टीपॉट रख देता हूँ, किधर गई टीपॉट, टीपॉट ये, एक टीपॉट यहाँ पे रख दें, एक यहाँ पे रख दें, एक यहाँ पे रख दें, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये सारी टीपॉट्स आपको ब्लर नजर आनी चाहिए, ऐसे ही है ना। तो जैसे ही हम इसको पकड़ के स्टार्ट इंटरेक्टिव चलाएंगे तो ये देखें, तो ये फोकस्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है और पीछे के सारे ऑब्जेक्ट्स फोकस में। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, मोशन ब्लर भी क्लियर हो गया, डेप्थ ऑफ फील्ड भी क्लियर हो गया, बोके रह गया। अब बोके जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।